गुड मॉर्निंग टू ऑल, हाउ आर यू ऑल। सभी कैसे हैं? आशा है सब लोग नए साल में खुश होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ, आप सभी को सबसे पहले ईसाई नववर्ष के शुरुआत की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके बाद हर साल की तरह इस बार भी मैं आपसे कुछ दिल की बातें करना चाहता हूँ। हालांकि मैंने बहुत सारी बातें आपसे की हैं, फिर भी आज कुछ अपनी बातें जो आपके लिए काम कर सकती हूँ वो बातें मैं करने की कोशिश करूँगा। बच्चों, नया साल एक तारीख है, कैलेंडर पे बदलता रहता है, लेकिन 2020 से 21 आया, 21 से 22 आया, 22 से 23 आ गया, हमारे दरवाजे पे खड़ा है और हम इसका स्वागत कर रहे हैं। तारीखें तो बदल रही है, कैलेंडर बदल रहे हैं, पर अगर हमारे जीवन में सुधार ना हो, हमारे जीवन में परिवर्तन ना हो, तो इस साल के बदलने का कोई ख़ास इम्पोर्टेंस या महत्व नहीं रह जाता है। तो अगर किसी एक तारीख को आपके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आ गया हो, तो वो आपके लिए वास्तविक में साल का परिवर्तन है, क्योंकि उसने आपके जीवन में एक मूलभूत सकारात्मक परिवर्तन का आगाज़ किया है। इसलिए आपके जीवन में विशेषतः वो एक नया साल है और आपको उसे सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन सेलिब्रेट होगा कैसे? जब वो आएगा तब तो, अगर कोई त्यौहार आता है तभी तो हम उसको सेलिब्रेट कर पाते हैं। जब वो त्यौहार ही नहीं आएगा तो हम उसे क्या सेलिब्रेट करेंगे? तो कुछ त्यौहार होते हैं जो खुद ही आ जाते हैं, जैसे ये नववर्ष खुद ही आ पड़ा, 22 ख़त्म हुआ, आज 23 का शुरुआत हो गया, नए वर्ष की शुरुआत हो गई। लेकिन हम जिस नए साल की बात कर रहे हैं, जो आपके जीवन का नया साल हो सकता है, वो खुद नहीं आएगा, उसे बुलाना होगा, उसे लाना होगा। तो बात उठती, कैसे आएगा वो? तो भाई, इसका कोई विकल्प नहीं है, उसे बड़ी मिन्नत से लाना पड़ता है, और आज नहीं तो कल। अगर आपको अपने जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं, अपने जीवन से आप इतने सोची हैं कि अपने जीवन से निराश नहीं हैं और अपने जीवन को चाहते हैं कि ये जीवन मेरा सफल हो, सुविधाओं और सुखों से दूर ना हो, तो फिर आपको मिन्नतों से, मेहनतों से उस साल को लाना होगा, उस नए साल को लाना होगा जिसमें आपका जीवन ही नया होगा। तो जो कल हो सकता है वो आज क्यों नहीं? जो मैं आज से 4 साल बाद करूंगा वो आज क्यों नहीं? ये तारीखें बदलती रहेंगी, लेकिन जिस तारीख को आपके जीवन में वो सकारात्मक मूलभूत परिवर्तन आ गए, तो आपका नया साल शुरू हो गया। और वो नया साल जब आप सेलिब्रेट करेंगे ना, तो इस खुशी से हजारों गुनी खुशियां आपके दिमाग में होंगी। आप इससे ज़्यादा सेलिब्रेट करेंगे, दिल से सेलिब्रेट करेंगे। तो मैं मंगल कामना भी करता हूँ कि ये साल आपका मेहनतों से भरा हो और मेहनत के परिणामों से भरा हो, और आपका जल्दी से वो नया साल आ जाए। आप सभी को एक बार फिर से ईसाई नववर्ष, कैलेंडर वाले नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग सेलिब्रेट करें, आप लोग एंजॉय करें, लेकिन साथ ही साथ नए साल में आप लोग अपना नया साल लाने के प्रयास में जुड़ जाएं। धन्यवाद। जय हिंद।